Dear students, how are you to all? I hope all of you feel good. Students, today we will start our second term portion. Today I am going to teach you chapter number 1 of our social science book. That means class 5, chapter number 1. And the name of the chapter number 1 is The Land of Dense Forest. In this chapter, we will know about the land of dense forest. The land of dense forest means डेंस फॉरेस्ट मीन्स थिक फॉरेस्ट लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट वो जमीन घने जंगलों वाली जमीन नाउ स्टूडेंट्स द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज द इक्वेटोरियल रीजन दैट मीन्स द रीजन वो रीजन वो एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट मीन्स वो रीजन वो एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में दैट मींस इट इज द इक्वेटोरियल रीजन वो इक्वेटोरियल रीजन होता है. दिस रीजन हैज अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट. यहाँ जो रीजन इक्वेटोरियल रीजन का जो क्लाइमेट होता है हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो लाइज इन दिस रीजन. जो DRC और वी कॉल DRC दैट मीन्स द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो लाइज इन दिस रीजन. इसी रीजन में DRC लाई करता है. किस रीजन में? इक्वेटोरियल रीजन में. ओके द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दैट मीन्स वो रीजन वो एरिया जो बिलोंग करता है कहाँ पर? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में दैट इज अवर इक्वेटोरियल रीजन. द रीजन हैज हॉट एंड वेट क्लाइमेट. यहाँ का रीजन हॉट और वेट क्लाइमेट होता है. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और वी कॉल DRC लाइज इन दिस रीजन. इसी रीजन में आता है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और DRC. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इट्स शॉर्ट फॉर्म इज DRC. द DRC इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन अफ्रीका. जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन अफ्रीका. अफ्रीका की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंट्री है आफ्टर अल्जीरिया. अल्जीरिया के बाद इट इज एन एरिया ऑफ अबाउट 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर. इसका एरिया है ये 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में DRC फैला हुआ है. द इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री. द इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री. कंट्री के नॉर्थ पार्ट में इक्वेटर मिलती है. ओके द DRC इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन अफ्रीका. दैट मीन्स द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका आफ्टर अल्जीरिया. इट इज एन एरिया ऑफ अबाउट 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर. द इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्थन पार्ट of the country. Now it is a time to discuss about the location. Location of what? Location of the DRC. That means location of the Democratic Republic of the Congo. The country is located in Central Africa. Which country? DRC. The DRC is located in Central Africa. Central Africa mein located DRC. It is surrounded by 9 countries. DRC is surrounded by 9 countries. DRC चारों तरफ से 9 countries से घिरी हुई है. See map 6.2 and name these countries. Do yourself better. Now, let us talk about land. Land of DRC. Land of DRC. That means Democratic Republic of the Congo. The River Congo, the second longest river in Africa. Africa में एक river बहती है that is called River Congo. It is the second longest river in Africa. Africa की दूसरे number की सबसे बड़ी river है. And you know that the DRC is the second largest country in Africa. Africa की second largest country DRC है. ऐसे ही River Congo, it is the second लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका. अफ्रीका की सेकेंड लार्जेस्ट दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी रिवर कॉन्गो है.
इट फ्लोज थ्रू द कंट्री, कंट्री के बीच में से बह के निकलती है. दिस रिवर इज नोन एज द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका. रिवर कॉन्गो इज ऑल्सो नोन एज द हाईवे ऑफ द सेंट्रल अफ्रीका. रिवर कॉन्गो को ही हम हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका के नाम से जानते हैं. द कंट्री लाइज इन द सेंटर ऑफ द रिवर बेसिन विच इज अवास्ट. द कंट्री लाइज इन द सेंटर ऑफ द रिवर बेसिन. ये कंट्री लाई करती है सेंटर ऑफ द रिवर बेसिन. रिवर बेसिन मतलब नदियों की घाटियों के बीच में लाई करती है. नाउ हियर वन फैक्ट वाइज इज दिस, रिवर कॉन्गो ओरिजिनेट्स इन द हाईलैंड ऑफ ईस्ट अफ्रीका. रिवर कॉन्गो ओरिजिनेट हुई है, उत्पन्न हुई है कहाँ से? हाईलैंड ऑफ ईस्ट अफ्रीका. हाईलैंड ऑफ ईस्ट अफ्रीका से एंड फ्लो इन टू द एटलांटिक ओशन. और कहाँ से फ्लो होती है? एटलांटिक ओशन. The famous Inga Falls are in the lower course of the river. जो famous Inga Fall है ये निचले हिस्से में पाया जाता है. River Congo, it is the second longest river in Africa. ये second longest river है अफ्रीका की. It flows through the country. This river is known as the highway of Central Africa. That means River Congo. River Congo is also known as the highway of the Central Africa. River Congo को ही highway of Central Africa के नाम से जाना जाता है. The country lies in the center of the river basin. ये country lie करती है नदियों की घाटी river basin में. River Congo originate in the highland of East Africa. River Congo originate हुई है highlands of East Africa में and flow into the Atlantic Ocean. और Atlantic Ocean से फ्लो होती है. द फेमस इंगा फॉल्स आर इन द लोअर कोर्स ऑफ द रिवर विच इज वास्ट लो लाइंग एरिया कवर्ड विथ रेन वॉटर रेन फॉरेस्ट. दैट मीन्स विच इज अ वास्ट लो लाइंग एरिया. लो लाइंग एरिया मीन्स समतल एरिया. इट इज कवर्ड विथ रेन फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट मतलब वर्षा वाला वन से कवर है. इट इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज. ये जो DRC है इसकी जमीन सराउंडेड चारों तरफ से घिरी हुई है माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज पहाड़ों और पठारों से. टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट लाइज द रुवेंजेरो माउंटेन. अगर हम नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो रुवेंजेरो माउंटेन है. माउंट मगरहिटा इज द हाइएस्ट पीक इन दिस रेंज. DRC की सबसे ऊंचा पहाड़ मगरहिटा है. द कंट्री हैज 4 मेजर लेक्स. इस कंट्री के 4 मेजर लेक्स हैं. विच वन? अल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू एंड तंगाइका. दीज आर द 4 मेजर लेक्स. दीज लेक्स लाई अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द कंट्री. ये जो चारों लेक हैं ईस्टर्न बाउंड्री हमारी कंट्री की ईस्टर्न बाउंड्री से टच होते हैं. द रिवर कॉन्गो फ्लोज थ्रू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री. Which is the country lies in the center of the river basin, which is a vast low-lying area covered with rainforest. And DRC, it is surrounded by mountains and plateaus. Towards the northeast, the Ruwenzori Mountains are there. Mount Margherita is the highest peak in this range. The country has 4 major lakes. Which one? Albert, Edward, Kivu and Tanganyika. These lakes lie along the eastern boundary of the country. ये lake eastern boundary, country की eastern boundary से touch होते हैं. Now, in this video, it is enough to you beta. Meet you in the next video. Good day.